अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। टॉप 10 न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि आप जितने लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब ये वीडियो आगे रिकमेंड करेगा। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है चावा फार्म हाउस, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कुद्दूस फिएस्टा ऑन 4th and 5th December, जहां आप अपनी फैमिली के साथ एक शानदार शाम बिता सकते हैं विद बुफे डिनर, स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, बारबेक्यू एंड हुक्का विद लॉट्स ऑफ शॉपिंग एंड फन। 4 और 5 December शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक, ओनली एट चावा फार्म हाउस, नेक्स्ट टू बिलाल शाह बाबा दरगाह, महापोली। भिवंडी तालुका के पास खड़ौली नदी के किनारे मातोश्री वृद्ध आश्रम के 67 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। आश्रम के एक स्टाफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद आश्रम के 62 बुजुर्ग और 4 स्टाफ मेंबर भी कोरोना की चपेट में आ गए। सभी को थाने के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मातोश्री आश्रम को अगले 2 घंटों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आश्रम के सभी लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोजेज लिए थे। मुंबई के रहवासी मनोज पाई ने भिवंडी गोपाल नगर रहवासी हरीश चंद्र गुप्ता के खिलाफ 400BC और कॉपीराइट एक्ट के तहत भिवंडी नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि हरीश चंद्र अपने अंजुर फाटे की दुकान में रेमंड कंपनी के लेबल की पैंट पीस का कपड़ा बेच रहे थे। कंपनी की अनुमति के बगैर उसका नाम इस्तेमाल करने के मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर पुलिस ने दुकान से करीब 1,05,000 रुपए का माल जब्त किया है। भिवंडी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधाकर देशमुख के निवास स्थान वरला निवास के परिसर में रविवार के दिन एक जहरीला सांप घुस आया। सांप को देखते ही ड्यूटी पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर झाड़ियों में छोड़ दिया। छुट्टी का दिन होने के कारण आयुक्त साहब घर पर नहीं थे। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले भी ऐसे ही एक सांप बंगले में घुस आया था। भिवंडी शांतिनगर रोड पर नो रोड नो वोट बैनर लगने के बाद भिवंडी कॉरपोरेशन ने आनंद फानंद में गड्ढे से भरी सड़क पर पत्थर और खड़ी पाउडर डालकर गड्ढे तो बुझा दिए, लेकिन अब उससे उड़ने वाली धूल और मिट्टी से लोग परेशान हैं। कईयों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही सड़क के किनारे दुकानदारों का भी हाल बेहाल है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू को जानकारी मिलने पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हांगकांग से आए 2 कंसाइनमेंट को किया गया जब्त। इन कंसाइनमेंट में हांगकांग से अवैध रूप से आईफोन, पिक्सल फोन और एप्पल वॉच भेजे गए थे, जिनमें आईफोन 13 के 2245 यूनिट, आईफोन 13 प्रो मैक्स के 1401 यूनिट, गूगल पिक्सल 6 प्रो के 12 यूनिट और एक एप्पल वॉच भी शामिल है। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 42,86,000 रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सभी चीजों को किया जब्त। कोविड-19 के नए वेरिएंट के चर्चे को लेकर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर के साथ की वर्चुअल मीटिंग। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में एक और लॉकडाउन से बचने के लिए कोविड-19 संबंधित सभी नियमों का पालन करें, साथ ही अब साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखनी होगी। अपनी नई फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए सलमान खान पहुंचे अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के ऐतिहासिक आवास हृदय कुंज का भी दौरा किया, साथ ही आश्रम के हॉल में बैठकर चरखा भी चलाया। आपको बता दें कि इसी चरखे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सूत काटा था। महाराष्ट्र उस्मानाबाद के एक बियर बार में नियमों का पालन न करने पर पुलिस ने मारा छापा। इस छापेमारी में पुलिस ने 90 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें 25 महिलाएं और 66 पुरुष है। साथ ही पुलिस ने 70 लाख रुपए का सामान भी किया जब्त। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने अपने पद से दिया रिजाइन। जैक डोर्सी का कहना है 16 साल तक अपनी सर्विस देने के बाद अब जाने का वक्त आ गया है। ट्विटर के अगले CEO बनेंगे भारत के पराग अग्रवाल, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। आज सेंसेक्स 153 अंकों की बढ़त के साथ 57,260 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 27 अंकों की बढ़त के साथ 17,053 पर हुआ बंद। गोल्ड 47,630 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 61,653 और क्रूड ऑयल 5,351 पे ट्रेड करते हुए। क्या आपके पति हर रोज नए नए खाने की फरमाइशें करते हैं? क्या आप भी रोज रोज वही पुरानी रेसिपी बनाकर बोर हो चुकी हो? तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल सीक्रेट रेसिपी विद शाइस्ता, जहां आपको सीखने को मिलेगी हर रोज एक नई रेसिपी नए अंदाज में। इंडियन, मुगलाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल स्नैक्स एंड डिजर्ट, हर मौके की सीक्रेट रेसिपी विद शाइस्ता। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।